कौन हूँ और मेरे सामने क्या है, चित्त क्यों उलझता है, जीवन का उद्देश्य क्या है, इन महत्वपूर्ण विषयों पर समझने की जरूरत है। चेतन और चित्त हर देहधारी के आमने सामने है। एक चेतन है, एक चित्त है। आप चेतन हैं और चित्त आपके सामने है। चेतन दृष्टा है, चित्त दृश्य है। आप पत्नी, पति, पुत्र, पिता, भाई, गुरु, शिष्य, चाहे जितने संबंध माने, आपके सामने हर समय चित्त रहता है। चित्त दृश्य है, चेतन दृष्टा है। चित्त के झरोखे से सारा जगत दृश्य सामने होता है। ये मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, बादल, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, जो कुछ भी जड़ पदार्थों का समूह है, दृश्य है। लेकिन इस दृश्य की प्रतीति चित्त के झरोखे से संभव है, इसलिए खास दृश्य चित्त है। चित्त के द्वारा जगत सामने होता है। चित्त अगर शांत हो जाए तो जगत शांत हो जाए। भवसागर तरना, भवसागर कहाँ है? ये जमीन भवसागर नहीं, जहाँ आप घूमते फिरते भवसागर नहीं, मन भवसागर है, चित्त भवसागर है। चित्त मन एक ही बात है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं चेतन हूँ और मेरा कुछ नहीं, मेरे अपने आप के अलावा मेरा कुछ नहीं। जो कुछ है चित्त द्वारा प्रतीत मान है। चित्त ही खास है आपके निकट। अगर वो सुलझा रहे तब आप पूरे सुखी रहेंगे, और चित्त उलझा रहेगा तो सदैव दुखी रहेंगे। चित्त क्यों उलझता है? चित्त उलझने के अनेक कारण हैं। मुख्य कारण है अपना अज्ञान। कल्पना कर ली जाती है कि चीज़ों की कमी है, पैसे नहीं, आमदनी कम है, तो चित्त उलझता है। लेकिन उलझने से आमदनी नहीं बढ़ती है। जिस श्रेणी में आप हैं, जिस स्थित में आप हैं, परिश्रम करें, परिश्रम में कसर न रखें, जितनी शक्ति है परिश्रम करें, और परिश्रम में जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहने की आदत बनाए। तुलना में न पड़े, दूसरे का बड़ा मकान है, उसके पास पैसे ज़्यादा रहे, बड़ा मकान बना लिया, हमारे पास पैसे कम है, छोटा मकान बना ले, नहीं है तो जैसे है वैसे टूटे फूटे में गुजर करें। बड़ा मकान से कोई सुखी नहीं होता है, चित्त सुलझने से सुखी होता है। बाहर की समता असंभव है, समता करना दुख का कारण है। बाहर समता संभव ही नहीं, एक के समान दूसरा संभव ही नहीं होना,
इसलिए भौतिक वस्तुओं में समता के चक्कर में न पड़े, नहीं तो सदैव चित्त उलझेगा। जो हमारे पास से बहुत है, कमी है, परिश्रम करें, उलझे ना। शरीर में रोग है, औषध करें, संयम करें। अधिकतम रोग अपनी असावधानी का फल है, जान में अनजान में। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, हमारा असंयम प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप में हमारी त्रुटियां होती होंगी। कुछ को हम प्रारब्ध वशात मानते हैं, हमारे जन्म जन्म के संस्कार के कर्म फल हैं, जो ऐसा हो जाता है। जो अपने जान में आए उस पर संयम रखना चाहिए और शक्ति के अनुसार औषध करना चाहिए। कीमती औषध हितकारी है ऐसी बात नहीं। आजकल तो गरीब लोगों को भी अगर 5 रुपए की दवाई डॉक्टर लिखता है तो कहते तो इससे अच्छा हो जाएगा डॉक्टर साहब, 50-100 का लिखे तो उसको विश्वास होता है। कीमती औषध और गैर कीमती औषध का महत्व तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कहीं कीमती औषध की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा संयम की ज़रूरत है। रोग को लेकर के चित्त में उलझने की जरूरत नहीं, उसके संयम और औषध का प्रयास होना चाहिए। साथी लोग हमें समझ नहीं पाते हैं, ये भयंकर कारण है चित्त उलझने का। पत्नी हमें समझ नहीं पाती, पति नहीं समझ पाता है, भाई नहीं समझ पाता है, लड़का नहीं समझ पाता है, माता पिता नहीं समझ पाते हैं, गुरु जी हमें नहीं समझ पाते हैं, शिष्य हमें नहीं समझ पाते हैं, गुरु भाई नहीं समझ पाते, पड़ोसी नहीं समझ पाते। ये मानसिक रोग भयंकर है, सर्वत्र व्याप्त है। आप अपने को सबके सामने समझाना चाहते हैं कि आप सही दिशा में रहना चाहते हैं? आज तक कोई हुआ है जो अपने को समझा दे, सब समझ लें? कोई नहीं हुआ। अपने को हम समझ लिए तो हमें सब समझ लिए, और हमें सब समझें कि बड़े अच्छे हैं और हमारे में भंगार हो तो क्या मतलब होगा? हम ठीक हैं और हमें लोग नहीं समझ पाते हैं तो फर्क क्या पड़े? दूसरे को कोई समझा नहीं सकता है, अपने को जो हम समझाना चाहते हैं कि दूसरे लोग समझ ले, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। सारी एनर्जी इसी में खर्च और इसी को लेकर के ईर्ष्या द्वेष, लोग हमें समझ नहीं पाते हैं। जो हमारे लिए त्रुट की बात करते हैं तो उनकी ईर्ष्या में पड़ जाते हैं, उनके विरोध में पड़ जाते हैं, उनकी बुराई में पड़ जाते हैं। जैसा वो समझते हैं वैसा समझते हैं, दूसरे को समझाने के चक्कर में पड़े ही मत। अपने विषय में दूसरे को समझाने की चेष्टा भयंकर भूल है। अपने को हम खुद समझें। जिसने खुद को समझ लिया, कोई समझे न समझे। कबीर सीरियल में बहुत बढ़िया बात आई थी उस समय, जब राजा आए थे मिलने के लिए एक सूफी संत। तो सूफी संत ने कहा कि कुछ मुझे रोशनी दीजिए। कबीर ने कहा, आप अपने को समझते हैं? आप मालिक को समझते हैं? कहे, मुमकिन है। कहे, तो और कोई समझे न समझे। मालिक आपको जानता है? कहे, बेशक। तो कहा, और कोई जाने न जाने। बहुत खुश हुए, वाह। राजा ने कहा, थोड़े में इतना सही कह देना। अब वहाँ मालिक कहा गया, कहा
कहलाया गया, परोक्ष की बात। अपरोक्ष की बात है कि मैं अपने को समझता हूँ, बस तो और की क्या जरूरत है, कौन समझे हमें। और अपने को नहीं समझता हूँ, दुनिया भर हमें बड़ा पवित्र माने तो क्या फायदा होगा। लोग हमें अच्छा कहें, ये तृष्णा छोड़े बिना कोई परमार्थ पद नहीं पा सकता। सद्गुरु कबीर को कहना पड़ा, दिल का महर्मी कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी, काहे कबीर आसमान ही फाटा क्यों कर सीवे दर्जी। दिल का महर्मी कोई न मिलिया, मेरे दिल की बात को जाने हैं, कोई मिला नहीं, जो मिला वो गर्जी मिला। आसमान फट जाए तो कौन दर्जी उसको सिलेगा। उदाहरण भी तो उनकी हर बात में उदाहरण। अगर मनुष्य का हृदय फटा है कौन सिलेगा, वो समझ ही नहीं पा रहा है। हम तो सबकी कही मोको कोई न जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, युग युग हो न आन। मैंने तो सबके लिए कहा, सारी कसर खोट बताई, सबकी कसर खोट बताई और सबके लिए तथ्य बताया। हम तो सबकी कही लेकिन मोको कोई न जान, मुझे कोई नहीं समझ पाया। कबीर जैसे संत कहते मुझे कोई जान नहीं पाया, लेकिन तो उनको कष्ट नहीं है, कहते तब भी अच्छा अब भी अच्छा, युग युग हो न आन। पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा हूँ, आगे भी अच्छा रहूँगा, युग युग मैं दूसरा नहीं हो सकता हूँ। और यही बात सभी महापुरुषों को कहना पड़ा है। हम आप किस खेत की मूली हैं, अपने विषय में हम समझाना चाहते हैं, सब समझ जाएं, और ये काम छोड़ करके अपने ही को हम समझने परिश्रम करें तो सारा काम हो जाएगा। चित्त उलझता है कि लोग मुझे समझ नहीं पाते, इसको लेकर के बड़ा अमर्ष होता है, मेरा ही पुत्र मुझे न समझे, मेरा ही पति मेरी ही पत्नी मेरे ही भाई न समझे, मेरे दामाद न समझे, मेरे ससुर न समझे, मेरे साले न समझे, मेरा ही शिष्य मुझे न समझे। और इसको लेकर अमर्ष दुख, ये सब अपनी कसर है, अपना कूड़ा कचरा है। जिसे कल्याण प्रिय हो, शांति प्रिय हो, परवाह छोड़ दे, कौन मुझे समझता है कौन नहीं समझता है। सब हमें समझते हैं, सबकी कृपा मेरे ऊपर है, सब मेरे लिए करुणाशील हैं। अब मेरी त्रुटियों को कह देते हैं तो बुरा क्या कहते हैं, मेरे सुधार की उनको कामना है इसलिए मेरी त्रुटियों को कह देते हैं। मेरे में त्रुटियां नहीं हैं फिर भी कहते हैं तो नहीं समझ पाते होंगे, उनको हम समझाने की चेष्टा न करें किंतु अपने ही को ठीक करें। बड़ा मुश्किल है, साथी लोग हमें बुरा माने बैठे रहे हैं, कैसे जी सकते हैं, बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि हम अहंकार कामना में भरे हैं। ये बात समझ में नहीं आती, बस अमर्ष, साथी लोग हमें न समझ सके। मैंने इनके लिए सब कुछ किया और करता हूँ और ये समझ नहीं पाते हैं, मैंने ही बनाया मैंने ही सब किया और ये समझ नहीं पाते हैं। ये अमर्ष चित्त को क्षुब्ध करता है। हमने क्या किया, जो है कर्तव्य है, कर्तव्य किया, कर्तव्य करना चाहिए। कर्तव्य करके किसी पर एहसान लादना ये हमारी दुर्बलता है, किसी पर हम एहसान न लादें। कर्तव्य हमारा स्वभाव है, या आपा को डर दे दया करे सबको,
अपने अहंकार को छोड़ दो, सब कोई दया करेगा। जितना हम सबको समझाने के चक्कर में पड़ते हैं उतना परिश्रम अपने लिए करें, अशांति का कोई कारण ही नहीं। कल्याण जिसे कहते हैं, कल्याण क्या है? चित्त का सुलझा रहना, चित्त उलझे ना, चित्त शांत और सुबस रहे, यही कल्याण है। और ये काम करने में हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, ये हमारे हाथ में है। किसी व्यक्ति को अपने बस में रखना हमारे हाथ में नहीं है। अपने पुत्र, अपने शिष्य, अपने भाई, माता पिता या किसी को भी अपने बस में रखना अपने अधिकार में नहीं, किंतु अपने मन को अपने बस में रखना हमारा अधिकार है। तो जिस पर हम अधिकार जमा सकते हैं वो काम नहीं करते, और जिस पर अधिकार नहीं जमा सकते हैं उसी को लेकर के हमें चिंता है कि अधिकार जमा लें। प्राणी पदार्थों पर अधिकार जमाने की हमें बड़ी चेष्टा है, ये हमारी सबसे भयंकर भूल है। चित्त क्यों उलझता है? अहंकार कामना के कारण। जो मुख्य कारण है वो हमारी कमजोरी है, अहंकार और कामना। बाहर से निमित्त कारण आता है, निमित्त कारण तो सब समय बना रहेगा। जैसे एक आदमी यहाँ आ करके मुझे गाली देने लगे और उसमें मैं दुखी हूँ, तो मेरा जो दुखी होना है वो मेरा अविवेक है, और उसका गाली देना निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं, मुख्य कारण नहीं। मुख्य कारण तो मेरा अज्ञान है। निमित्त कभी ख़त्म नहीं होगा, ध्यान दीजिए। कोई मुझे अभी गाली दे रहा है, फिर समय से देगा। मन में होता है हमारा शत्रु मर जाए तो अच्छा है, भयंकर कमजोरी है। सब जिए, हमारा शत्रु तो जुग जुग जिए, हमारा शत्रु कोई है ही नहीं। हमारा अविवेक मर जाए तब शांति मिलेगी, शत्रु मिलने मरने से शांति नहीं मिलेगी। अभी कोई गाली देता है, दूसरे समय गाली देगा। हम दूसरे की चीज़ छीन करके अपने बच्चों के लिए प्रबंध करते हैं, और कल अपने बच्चे ही हमारे गले में नस्तर लगाते हैं, हमारा गला दबाते हैं। जिसको हम अपना मानते हैं वही हमें पीड़ा देते हैं। जीवन को समझना बहुत बड़ी बात है, पढ़ लेना, बड़े पद पर चले जाना, मेहनत करके श्रम करके सेठ हो जाना, गुरु बाबा हो जाना, महंत जी हो जाना, आचार्य और आचार्य और मंडलेश्वर हो जाना, जगत गुरु हो जाना, बड़े नेता हो जाना, बड़े प्रवक्ता हो जाना, ये सब अलग बात है। अपने चित्त को समझना और चित्त को सुलझाने का तरीका ठीक से समझना और ये काम करना, ये बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि हमारा अज्ञान समझने नहीं देता है। कठिन ये नहीं, बहुत सरल है। जैसे तंबाकू न खाना बहुत सरल है, बिना तंबाकू खाए रहना बहुत सरल है। जो तंबाकू नहीं खाते हैं उनको ये अनुभव है, बिना तंबाकू खाए हम लोग आराम से रह रहे हैं। लेकिन तंबाकू खाने वाले ये बात नहीं समझ पाएंगे कि बिना तंबाकू खाए रहना सरल है।
वो तो कहेंगे तंबाकू खा खा के रहना सरल है, बिना तंबाकू खाए रहना सरल नहीं, क्योंकि आदत है उनकी। अब वही ग्लान करके तंबाकू छोड़ दें और कुछ दिन में उसकी आसक्ति पूरी मिट जाए, वासना उसकी निवृत्त हो जाए, गंध भी उसकी अच्छी न लगे, तब वो समझ पाएंगे बिना तंबाकू खाए रहना कितना सरल है। बिना तंबाकू खाए रहना बहुत सरल है, लेकिन जब इसकी आसक्ति मिट जाए अथवा इसकी आसक्ति हो ही ना, तब इसका अनुभव होगा। मन पर, चित्त पर पर्दे पर पर्दे हैं, अब उन पर्दों को आदमी नहीं समझ पाता है, इसलिए सदैव दुखी रहता है। हर प्राणी दुखी 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 दुखी, अभाव का अनुभव, असंतोष, हर समय असंतोष, चारों तरफ से असंतोष। और इस असंतोष की दवाई न तो रुपया है, न विद्या है, न पद है, न प्राणी है, न पदार्थ हैं, बाहर की वस्तुएं इस रोग की औषध नहीं। इस रोग की औषध गुरु ज्ञान है, विवेक ज्ञान है, और अपने तरफ दृष्टि देने की जरूरत है, अपने अहंकार, अपने अहंकार और कामना को जीतने की जरूरत है। अपने को मारे बिना सर मारे ते सदा सुखारे, अन मारे ते दुखा, ये सद्गुरु की एक पंक्ति है। सरी मारे ते सदा सुखारे, सरिनाम संपूर्ण, संपूर्ण रूप से जो अपने को मार दे वो सदा सुखी रहेगा, और अन मारे ते दुखा, अपने को न मारे तो दुखी रहेगा। पत्नी उलझ के बोलती है आप शांत रहें, वो उलझ जाए तो भी आप शांत रहें। कटु कहे अगर बन सके आप मुस्करा दें, सह लें, सहते जाएं सहते जाएं, देखो वो पिघलेगी। जरूरत पड़ने पर कुछ कह दीजिए, बता दीजिए, लेकिन बताने के लिए भी गर्मी नहीं ठीक है, ठंडी ठीक। गर्म लोहा काटने के लिए ठंड लोहा चाहिए, गर्म लोहा काटना है और जिससे काटना है वो भी गर्म है, तो गर्म लोहा गर्म लोहा को नहीं काट पाएगा, ठंड लोहा ही गर्म लोहा को काट पाएगा। ये समस्या सबके सामने है, मनुष्यों के बीच में सबको रहना पड़ता है। पदार्थों की व्यवस्था तो थोड़ी सरल है, पदार्थ जो आपके पास हैं जहाँ रख दीजिए रख दीजिए, ताला लगा दीजिए, रक्षा रखिए बस। लेकिन प्राणियों को निभाना टेढ़ी खीर है। प्राणियों का मतलब मनुष्य यहाँ है, पशुओं को नहीं। मनुष्य के अलावा प्राणी हैं, उनको निभाना बहुत सरल है। उनके लिए जगह दो, भोजन दो, पानी दो, बस कोई परेशानी नहीं। लेकिन मनुष्य को निभाना टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर कहावत आप जानते हैं, जो असंभव, असंभव कह दिया गया, असंभव है नहीं। अपने को ठीक करना है, ये तो असंभव है कि दूसरे को हम समझा ले जाएं। मनुष्यों को निभाने की एक ही तरीका है, अपने अहंकार को मारना। जो जितना धीरवान होगा, सहनशील होगा, निष्काम होगा, निर्माण होगा, वह उतना निभा पाएगा। इसलिए जो घर का सेवक है, समाज का सेवक है, उसको ऐसे होना चाहिए, मालिक नहीं सेवक। गुरु भी सेवक है,
समाज का सेवक है। सब सेवक अपने को मानो, मालिक मानोगे फिर जलोगे। जहाँ मालिक माने वहाँ जले, जलना शुरू। मालिक हम नहीं हैं, सेवक हैं। सेवक हैं तो सेवक को कैसे रहना चाहिए? विनम्र रहना चाहिए। चित्त का उद्वेग क्यों होता है? खास कारण है, जिन मनुष्यों के बीच में हम रह रहे हैं उनमें सामंजस्य, उनको लेकर के अपने मन में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे। कहीं कहीं होता है, बहुत झंझटी व्यक्ति होते हैं, वो पल्ले पड़ जाते हैं, खास लोग होते हैं। अगर वो बहुत करते हैं तो उनसे भी अलग होना पड़ता है। जहाँ बहुत कठिन होता है आदमी अलग हो जाता है। अलग हो जाना बुरा नहीं है, लड़ना बुरा है। पिता से अलग हो जाना, पुत्र से अलग हो जाना, भाई से अलग हो जाना, गुरु से अलग हो जाना, शिष्य अलग हो जाना, कोई बुरा नहीं। गुरु ऐसे झंझटी मिल गए कि उन्होंने कुछ रास्ता दिखाया लेकिन आगे बहुत झंझटी, तो शिष्य को सोचना पड़ेगा उलझन में कब तक पड़ा रहे। शिष्य उलझनी है तो गुरु को छोड़ना पड़ेगा। तो जहाँ न संभाल पाए हट जाना बुरा नहीं, लेकिन हर जगह हटने का नियम नहीं चलेगा, ये अपवाद है। कब तक हटोगे? बिना सटे जीवन चलेगा नहीं, हटे हटे जीवन नहीं चलेगा। सटना पड़ेगा, कहीं रहना पड़ेगा, कहीं आधार लेना पड़ेगा। परमहंसों को मैंने देखा कि वहाँ भी आधार था, जो बोलते नहीं थे, नंगे रहते थे, पड़े रहते थे, या तो पेट के बल पर लेटे रहें या तो बैठे रहें। बहुत मोटे थे, बहुत मोटे थे। काशी में शायद वो एक जगह पड़े पड़े ही मोटा गए थे। तो बिना किसी के आधार के जीवन चल नहीं सकता है। ये घमंड कि मैं किसी को नहीं सह सकता, बेकार की बात है। सहना पड़ेगा। अपवाद है कि किसी को हम छोड़ सकते हैं। अति हो जाता है तो छोड़ना पड़ता है। भारतीय परंपरा में पति पत्नी का विच्छेद मान्य नहीं है। वैदिक युग से भारत का जो प्राचीनतम ग्रंथ है, शास्त्र है, वो ऋग्वेद है। उसके बाद तीन वेद हैं। और काल की दृष्टि से देखा जाए तो उतना पुराना इस धरती तल पर कोई ग्रंथ नहीं, लेकिन भारतीयों का तो है ही है। कहीं भी वेद में पति पत्नी के संबंध को तोड़ने की राय नहीं। जीवन भर एक साथ रहना है, लेकिन इसमें समस्याएं आती थी, इसलिए उस समस्या के निदान के लिए स्वतंत्र भारत में पहली बार विधान बना कि तलाक हो सकता है। परंतु उसको इतना पेचीदा बनाया गया कि जल्दी तलाक न हो। जब कानून बन करके राजेंद्र बाबू के पास गया, वह राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तलाक का कानून बन के आ गया है, तो उलझ गए। कहे तो मैं आपको तलाक दे दूँ? कहे स्वतंत्र हो, दे सकती हो। हंसने लगे। दोनों को अच्छा नहीं लगा, उनकी पत्नी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन राजेंद्र बाबू तो समझते थे, तो उस पर कुछ और मुद्दे सुझाए और लौटा दिए। तो फिर सांसदों ने उन मुद्दों पर विचार करके कुछ करके फिर लौटाया।
फिर अंत में हस्ताक्षर किए, तो करना ही था। तो पति पत्नी के संबंध का विच्छेद भारतीय परंपरा में मान्य नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने, स्वतंत्र भारत सरकार ने जो विधान बनाया वो ठीक है, जगह बनाई। ऐसे ऐसे पति हैं नारकी हैं, ऐसी ऐसी पत्नियां हैं जो नारकी हैं, और ऐसी अवस्था में एक साथ सड़ना ठीक नहीं। तो अपवाद स्वरूप रास्ता दिखाया गया कि तलाक हो सकता है। पति पत्नी का संबंध कट जाता है, पिता पुत्र का कट जाता है, भाई भाई का कट जाता है, गुरु शिष्य का कट जाता है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप ही होना चाहिए। अंततः आदमी का गौरव है कि जिन व्यक्तियों के साथ में रहे एक दूसरे की बुराई न करें, एक दूसरे की निंदा न करें, सहें और निभाएं। या नहीं निभाएंगे, अलग जा रहे हैं, वहाँ निभाना पड़ेगा। मन होता है इन सब को छोड़ करके कहीं चले जाए, जरा बानगी ले लो, जा करके देख लो, यहाँ से वहाँ और मिलेंगे तेज लोग। एक सज्जन ने मुझसे कहा था, उनकी याद आ जाती है, वे लेखक भी थे, अभी भी शायद हो सकते हैं, हो, मेरी उम्र से ज़्यादा उम्र उनकी नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा, मेरी पत्नी ने मुझे चप्पल से मारा। कुछ दिनों के बाद जब वो दोनों मिले तो उनकी पत्नी से मैंने कहा, वो भी पढ़ी लिखी, ग्रेजुएट, दोनों की उम्र उस समय 55 से कम नहीं रही होगी। मैंने कहा उनकी पत्नी से, उनके पद को निर्देश करके, कि इनसे कैसे निपटता है। कहे, महाराज क्या करूं, इनको छोड़ दूं, दूसरे के साथ करूं तो वहाँ भी झंझट होगी, तो इन्हीं को निभा रही हूँ। दोनों हंसने लगे। ये संसार है, छोड़ते छोड़ते कहाँ तक भागोगे, कहाँ जाओगे। जहाँ लोग आपको समझते हैं, आप उनको समझते हैं, वहाँ थोड़े ही विनम्र रहो, बस निभ जाएगा, नए लोगों में और झंझट आएगी। तो छोड़ने का अपवाद है, और ऐसा भी समय आता है छोड़ना पड़ता है। पिता पुत्र में बांटा हो जाता है, भाई भाई में हो जाता है, भाई भाई में तो होता ही, लेकिन जो सामान्य समाधान है वो सहना है, धीरज रखना है, अपनी त्रुटियों को देखना है। अपनी त्रुटियों को हमें सुधारने की ज़रूरत है, दूसरे की त्रुटियों को देख करके काम न बनेगा। चित्त क्यों क्षुब्ध होता है, मैंने अन्य कारण बताए, शरीर में रोग लगने से, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने से, या मन ऐसी कल्पना कर लेता आर्थिक स्थिति कमज़ोर है क्योंकि लंबी लंबी कामनाएं हैं, उतना पैसा नहीं है तो उलझता है। ये सब की दवाई सही विचार है। ये तो एक तो भौतिक पदार्थों में तुलना न करें, दूसरे के घर मकान परिवार संपत्ति ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा की तुलना कभी न करें। हमारा जितना है राजकाज है, बहुत है, उसमें कमी लगती है परिश्रम करें, परिश्रम से जो पूर्ति हो ठीक है, आमदनी के अनुसार हम खर्च की व्यवस्था बनाएं। आमदनी है, दाल भात रोटी सब्जी दूध मलाई भी खाइए। आमदनी कम हो गई, दूध मलाई छोड़ दीजिए, रोटी सब्जी दाल भात खाइए, उसमें भी आमदनी कम हो गई है, रोटी सब्जी खाइए, भात सब्जी खाइए, ना दाल खाइए, उसमें भी कम हो गया है, रोटी नमक भात नमक खाइए। लेकिन भात नमक तो चाहिए, नमक इसलिए चाहिए क्योंकि हम भारतवासी नमक खाते हैं बहुत, नमक की भी ज़रूरत उतनी नहीं है, सब भोजन में नमक है, लेकिन खाते हैं, चलो कोई बात नहीं, कम खाएं, सदैव कम नमक खाना चाहिए, नमक भात मिल जाए, नमक रोटी मिल जाए,
इसके बिना तो नहीं चलेगा। हजरत मोहम्मद ने हदीस में कहा है, तुम्हारा अधिकार सूखी रोटी और नमक पर है और किसी पर नहीं। महापुरुषों ने रास्ता दिखाया है, लेकिन हम चलें तब। और हर जगह ये बात कही गई, सूखा रूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, साहेब ने तो कहा ही, यावत भ्रेज जठरम तावत सुत्तम देही नाम, ये श्रीमद् भागवत में कहा गया। यावत भ्रेत जठरम, जितने से पेट भर जाए तावत सत्तम ही देही नाम, उसी पर सत्य अधिकार देही नाम देहधारियों का है। जितने में पेट भर जाए उतने पर ही अधिकार देहधारियों का है। यो अभिमन्ये, जो अधिक को मानता है अपना सस्तेनो, वो चोर है, दंड मरहत, इसलिए उसको दंड मिलना चाहिए। मार्क्स ने भी ऐसा नहीं कहा है कि पेट भरने के अलावा पर अधिकार करते हो तो दंड मिलना चाहिए। यावत भ्रियत जठरम तावत सुत्तम ही देही नाम, अधिकम यो अभिमन्यत स्वस्तेनो दंड मरहत। जितने पर देहधारियों का, जितने से देहधारियों का पेट भर जाए उतने पर ही उनका अधिकार है, उससे अधिक पर अधिकार जो मानता है वो अपराधी है, उसको दंड मिलना चाहिए। तो चित्त की उलझन विवेक ज्ञान से ही मिटेगी, सहने से ही मिटेगी, धीरज से मिटेगी, वस्तुओं का जखीरा बटोरने से नहीं मिटेगी, ऐश्वर्य गांठने से नहीं मिटेगी। अहंकार करके बलवान हम हैं, मालिक हैं, हम जो चाहें सो करें, अरे मालिक अपने को मानना भयंकर मूर्खता है। कभी भी अपने को मालिक न माने, हम सेवक हैं, दास हैं, परिवार के समाज के सेवक हैं। चित्त की आग अगर बुझाना चाहते हैं तो अपने को सेवक माने, किसी पर हमारा अधिकार नहीं। चित्त सुलझ जाए तो दुनिया में दुख नहीं। आपके पास सदैव कौन रहता है? चित्त। चित्त कहो मन कहो, एक बात है, मन रहता है, चित्त रहता है। नींद खुली, मन सामने खड़ा हो गया, अब वो कांटों से भरा है तो दुखी नहीं होगी, क्या होगी? लेकिन मन निर्मल है, किसी के लिए शिकायत नहीं, सब अच्छे हैं, हमारे आसपास जो बसते हैं सब अच्छे हैं, कोई शिकायत नहीं है, और सब कुछ ठीक है, जो उपलब्ध है बहुत है, ज़्यादा है। ऐसा चित्त है तो आनंद कंद है। आप दिन भर काम करते हैं, चित्त आपके सामने रहता है। चित्त अगर कांटेदार है तो चुपता रहेगा, चुपता रहेगा, हरदम दुखी, हरदम दुखी। एसी भवन में बैठे हैं, एयर कंडीशन्ड सर्वत्र है, ऑफिस में, घर में, कार में, लेकिन मन कांटेदार है, चुपता रहेगा। एसी से ठंडकता मिलेगी नहीं, शरीर को मिलेगी, मन को नहीं मिलेगी। है आबोहवा ठंडी, कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जिसे कश्मीर उसे कहते हैं। और कलेजा ठंडा होगा अपने अहंकार को मारने से। दिन भर हम काम करते हैं, चाहे वो हल जोते हैं, चाहे नाली साफ करें, चाहे दफ्तर में काम करें, चाहे पूजा करें, चाहे ध्यान करें, चाहे अध्ययन करें, चाहे लेख लिखें, सब काम है। और इसके दरमियान में मन हमारे सामने सब समय खड़ा रहता है। पुत्र तो कभी सामने आता है, शिष्य कभी सामने आता है, माता पिता कभी सामने आते हैं, पति पत्नी परस्पर कभी सामने आते हैं, मन हरदम सामने रहता है। इतना मित्र, अब आपने उसको इतना बिगाड़ डाला है,
अहंकार अहंकार, कैसे सुखी रहें, कैसे चित्त सुलझेगा। मन सबसे बड़ा मित्र है हमारा, साथी है, आगे पीछे घूमता है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने धम्म पदम जब आरंभ किया तो कहा, मनोपुब्बगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, मनसा चेप दुठे ना भासति वा करोति वा, ततौ नम दुख मन वे चक्कम वा बहतौ पदम। बुद्ध वाणी में, बुद्ध वाणी तो सागर की तरह है, बहुत विशाल है। बुद्ध के निधन के 500 वर्ष के बाद बुद्ध के उपदेश का संग्रह किया गया था, जिसको त्रिपिटक कहते हैं पाली भाषा में। बहुत उसमें हीरे मोती हैं, अतिशयोक्तियां भी हैं, प्रपंच भी है, लेकिन हीरे मोती काफी है। उसी में एक ग्रंथ है धम्म पदम, जिसका भाष यहाँ से छप गया है और पहला संस्करण 5-6 महीने में खत्म हुआ, दूसरा भी छप गया, उसको आप जरूर पढ़ें। वो पूरा का पूरा अमृत है, उसमें त्रुटि नहीं है। उसका पहला मंत्र यह है, वो गाथा कहते हैं, मनोपुब्बक गमा धम्मा, सभी धर्मों कर्मों में मन पूर्वगामी है, आगे आगे मन चलता है। आपको यात्रा करना है, दिल्ली जाना है, जब सोचे तवे से वो दिल्ली अनेक बार पहुंचता रहता है। 10 दिन के बाद जाना है, लेकिन 10 दिन के दरमियान में 50 बार दिल्ली पहुंच जाएगा। कोई काम करना हो, सोचे और आगे बढ़ा, मनोपुब्बगमा धम्मा, धम्मा धर्मों कर्मों सभी कर्मों में मन पूर्वगामी है, आगे आगे चलता है। मनोपुब्बगमा धम्मा, मनो सेठा, मन श्रेष्ठ है। मनोमया, सारे कर्म मनोमय हैं, मन से ओतप्रोत हैं। जो कुछ आप सोचते और बोलते और करते हैं सब मन से ओतप्रोत है। मनसा चेप दुठे न भासत वा करोति वा, जो प्रदुष्ट भावना रख करके बोलता और काम करता है, ततो दुख मनवेत, उसके पीछे पीछे दुख उसी प्रकार चलते हैं, चक्कम वा बहतौ पदम, जैसे गाड़ी में जुड़े बैलों के पैरों के पीछे उसके चक्के चलते हैं। लेकिन मनसा चे प्रसन्ने ना भासति वा करोति वा, ततो सुख मनवेत, छाया वा अनपायनी, जो अपने मन से प्रसन्न हो करके, निर्मल हो करके बोलता और काम करता है, उसके पीछे स्थिर सुख उस प्रकार चलता है जैसे मनुष्य के पीछे उसकी छाया चलती है। सुख और दुख का भेद कितना बढ़िया। मन मैला है, वाणी मैली है, कर्म मैले हैं, चित्त उलझा रहेगा, दुख बना रहेगा। मन निर्मल है, वाणी निर्मल है, कर्म निर्मल है, सुख शांति रहेगी। अब इसमें दूसरे से क्या मतलब है, दूसरे ने हमें कुछ कह दिया तो क्या मतलब है, कहने दो। सब के सब हमें महापापी मानते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। हम अगर निर्मल हैं, किसी मानने से क्या होगा। आज तक कोई हुआ जो सबको समझा दे, कोई नहीं हुआ। चित्त क्षुब्ध क्यों होता है। प्राणियों के बीच में जो रह करके हमें
चारों तरफ से भ्रम होता है वही हमें जलाता है। हम अधिक मान लेते हैं, किसी ने अपने मनोविकार से कुछ कह दिया फिर वो पछताता है, हमने सुन लिया तो हम मान लिए कि उसने कहा, अब उसके मन से तो निकल गया और हमारे मन में जम गया, उसने कहा और पश्चाताप किया और ख़त्म कर दिया और हमने उसको संजो करके रख लिया और जल रहे। अगर वो बनाए हैं मन में बनाए रहे, हमने खारिज कर दिया, सुन के अनसुन कर दिया, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। कुल मिलाकर के हमें स्वीकारना चाहिए और यही असलियत है, हमारे चित्त की उलझन का कारण हमारा अविवेक है। मन सायर मनसा लहरी बूढ़े बहुत अचेत, काहिं कबीर ते बाँचे जाके हृदय विवेक। मन समुद्र है इच्छाएं तरंगे, बहुत अविवेकी इसमें डूब के मर गए और मर रहे हैं। साहब कहते वही बचेगा जिसके हृदय में विवेक होगा। विवेक कैसे होगा? जब रहनी और बोध संपन्न संतों की संगत समय समय से करेंगे और ऐसे ज्ञान के ग्रंथों का मनन चिंतन करेंगे और अकेले में बैठ करके चिंतन करेंगे। अपने को अकेला बनाओ कुछ समय के लिए, 24 घंटे में एक घंटा दो घंटा तीन घंटा जितना बन सके अकेला बनाओ, घर के अंदर ही एक कमरे में अलग हो जाओ, गांव में हो कमरे में अलग हो जाओ, बाहर पेड़ के नीचे चले जाओ, नदी झरना हो चले जाओ, शहर वालों को सुविधा नहीं है, घर के अंदर बैठ जाओ, जहाँ कहीं हो अपने को कुछ अकेला बनाओ। और अकेला बना करके मनोविलास न करो तो और नरक है। अकेला बना करके चिंतन करो और चिंतन तब होगा जब उसकी पूर्व खुराक ली जाएगी। उसकी पूर्व खुराक मैंने पहले बताई, बोध रहनी संपन्न संतों की संगत, ज्ञान के ग्रंथों का मनन चिंतन, जब ये खुराक होगी तब अकेले में चिंतन होगा। चिंतन का अर्थ है तथ्य को देखना, इसके विपरीत मनोविलास है। मैं सुंदर हूँ, जवान हूँ, चाहे 80 बरस का हूँ, कल्पना उड़ रही है, मैं सुंदर हूँ, जवान हूँ, कमनी काया है, कमनी पत्नी है, लावण माधुर से बड़ा पति है, बड़ा ऐश्वर्य है, और ये सब कुछ नहीं है। मन में कल्पना हो रही है, हवाई जहाज में उड़े जा रहे हैं और नीचे पैदल चल रहे हैं, तो ये मनोविलास है तो विनाश है। चिंतन इसके विपरीत है, शरीर टट्टी पेशाब की टोकरी है, चाम का थैला है, फोड़ा फुंसी जर बुखार उद्वेग का पिंड है। इस पिंड में क्या है? शरीर का रोग और मन का उद्वेग, और इसमें क्या धरा है? इस जहर को मारो, सब कुछ क्षणभंगुर है, जो आज है कल नहीं रहेगा। मेरी अपनी आत्मा शुद्ध बुद्ध निर्मल है, मेरे में कुछ विकार नहीं। पहले की सारी चीज़ें कहाँ गई कौन बता सकता है? आज से 50 वर्ष की पूर्व की वस्तुएं मिट गईं। जिन प्राणी पदार्थों से हमारे जीवन के आरंभ में संबंध हुआ उनमें बहुत खत्म हो गए। हमारा भी शरीर कितना बदल चुका है, हमारा यहाँ कुछ नहीं, कहीं मोह नहीं बनाना, अपने में रहना, ये सब विचार चिंतन है। इस चिंतन से मन का रोग कटेगा, विश्रांति मिलेगी,
और जिसकी चित्तवृत्ति इस ढंग से चमक जाएगी विवेक में, ध्यान में बैठेगा, एकाग्र हो जाएगा। जो मनोविलास में रहेगा उसका चित्त एकाग्र नहीं होगा। चित्त क्यों उलझता है, इस पर मैंने थोड़ी थोड़ी बात कही, विस्तार से मनुष्यों के बीच वाली कही, क्योंकि वही भयंकर रोग है। शरीर का रोग है इसलिए चित्त उलझता है। तो संयम परहेज से रहो, खान पान में ठीक रखो, व्यवहार बर्ताव में ठीक रखो, अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य पालन करो, और साधु महात्मा तो पूर्ण ब्रह्मचारी उनको रहने चाहिए। वैसे गृहस्थों को भी संतान उत्पन्न होने के बाद पूर्ण ब्रह्मचारी होना ही चाहिए। धन दौलत के लिए श्रम करो, जितना श्रम से मिले संतुष्ट रहो। प्राणियों के बीच में भयंकर उलझन है और उसमें मूल अविवेक हमारा है। सहना सीखें, विनम्र होना सीखें, कामना छोड़ें, अहंकार छोड़ें, तो सब सरल हो जाएगा। चित्त हमारे सामने है हर समय, चित्त हमारा मित्र है, हमने उसको शत्रु बना रखा है। वो हमारी त्रुटि है, अहंकार कामना को जीत करके जब हम हंस रहनी में चलेंगे, शुभ रहनी में चलेंगे, हमारा मन निर्मल निर्ग्रंथ हो जाएगा और सब समय हमारे लिए फूल की सैया लगी रहेगी। नींद खुलेगी, मन निर्मल है, सब अच्छे लगते हैं, सबके साथ प्रेम का व्यवहार, मीठा वचन, दिन भर अपने काम धाम में अध्यात्म और व्यवहार में लगे हैं, सब जगह आनंद, बिस्तर पर पड़े कोई तनाव नहीं है, नींद आ गई, सुंदर नींद, नींद खुली, फिर सब अच्छे हैं, सारा संसार देवी देवता है, बहुत थोड़ा समय है, सब भागा जा रहा है, कोई किसी के साथ नहीं है, सबसे झुक के चलें, विनम्र रहें, सब परदेशी हैं, मिल गए हैं, कोई हमारे संग संग नहीं है, सबके सामने झुक करके विनम्रता से चल करके अपना कल्याण करना है। इन भावनाओं में जो भावित रहेगा उसके चित्त की उलझन नहीं रहेगी। यहाँ सब ध्यान के लिए आए हैं, उसकी पूर्व पीठिका के विषय में मैंने ये निवेदन किया, चित्त क्यों उलझता, ये सब कारण हैं, इन कारणों को मिटाएं, चित्त को सुलझाएं और ध्यानाभ्यास करें। एक घंटा हो गया है, जिन पुलों को घूमना फिरना है 5 मिनट घूम लें, फिर तब बैठें और ध्यान करें।